Hello everybody, this is Tarot Genie. So this one is going to be the relationship dynamics for the coming 10 days prediction for Elvish and Manisha. चलिए देखते हैं कैसी रहेगी इनकी dynamics. Will they move out of this Five of Pentacles energy? How are things going to be for Elvish and Manisha for the coming 10 days, dear angels? 10th January, 20th January. We thank you so very much for this. Okay. क्या हो रहा है यहाँ पे? चीजें सही डायरेक्शन में जा रही हैं, ये तो हम देख रहे हैं. शायद किंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक वर्किंग ऑन समथिंग, सम प्रोजेक्ट वर्किंग, एंड देन यहाँ पे स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्यों बन गया है? क्लैरिटी नहीं है किसी चीज पे, इसलिए. ऑल राइट, इनकी रिलेशनशिप डायनामिक्स कैसी है? ऐसा लग रहा है कि कुछ फास्ट कम्युनिकेशन है, फास्ट मूवमेंट हो रहा है रिलेशनशिप में, और फास्ट मूवमेंट जाके एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स पे बैठ गया है, यानी कि कुछ फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोजेक्ट है, काम कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी बनी हुई है दोनों साथ में. ऐसा करके फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है एंड देर इज सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट दैट दे आर वर्किंग ऑन. हाउएवर कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन डेवलप हो रही है इस प्रोजेक्ट में, आई थिंक लैक ऑफ क्लैरिटी के कारण और पास्ट वुंडिंग के कारण भी. तो इसका हमको क्लैरिफायर निकाल के देखना पड़ेगा कि आखिर और भी डीप लेवल में हो क्या रहा है. चीजें सही डायरेक्शन पे जा रही है, आप अपने घोड़े पे भी बैठ गए हो, साथ में शायद काम कर रहे हैं, लेकिन काम करते करते ये प्रोजेक्ट में टेंशन स्ट्रेस क्यों बिल्ट अप हो रहा है? क्योंकि प्रोजेक्ट में कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है यहाँ पे किसी भी चीज पे. तो लेट्स सी, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स एंड गेट सम डीपर इनसाइट इनटू दिस 10 डेज का एनर्जी कमिंग फॉर एल्विश एंड मनीषा. कैन वी प्लीज हैव द क्लैरिफायर डियर एंजल्स? वी थैंक यू सो मच फॉर दिस. चलो ठीक है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स फिर से शो अप हुआ है. I think this wants to come out. Yes. Yeah. शायद कोई प्रोजेक्ट पे काम करेंगे ये लोग. मिला नहीं है पर स्टार्ट होने वाला है शायद. आई थिंक दे आर वर्किंग टूगेदर ऑन सम प्रोजेक्ट, या कोई प्रोजेक्ट उनको मिलता है. एस ऑफ पेंटिकल है, सम प्रोजेक्ट हैज देम कमिंग टूगेदर. शायद इसी प्रोजेक्ट पे वो लोग काम भी स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, मगर उसके बाद क्या हो रहा है? बहुत डिलेज के बाद कोई चीज स्टार्ट हुई है, ठीक है. बहुत डिलेज के बाद, डार्कनेस के बाद, होपलेसनेस के बाद कुछ चीजें स्टार्ट हुई हैं. इतनी ये जो अभी स्पीड आप देख रहे हो ना, इसके पहले एक लंबी गहरी रात थी. ये जो आप स्पीड देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो कि दोनों एक साथ था कि शायद किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं है कि ऐसे ही हो गया है. इट हैज सीन अ लॉन्ग विंटर, डार्कनेस, होपलेसनेस, तब जाके आज हुआ है. इट हैज कम सर्कल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ये मैं पिक कर रही हूं. और यहां पे भी आप देख रहे हो ना कि 10 ऑफ सोर्ड है, 10 ऑफ सोर्ड बिफोर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड. यहाँ पे प्रोजेक्ट तो स्टार्ट हो गया है, दोनों साथ में भी आ गए हैं, प्रोजेक्ट पे भी बैठ गए हो, स्टार्ट हो गया है, बट यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई जमीन पे गिरने वाला है? ओके, प्रोजेक्ट जमीन पे गिरने वाला है क्या? क्योंकि क्लैरिटी नहीं है कुछ तो, कुछ तो क्लियर नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे ये घोड़े पे बैठा है, बट ये वाला जो कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड में, इसमें क्या होता है कि वो जमीन में
पिन टू द ग्राउंड है, बिट्रेड है। यहाँ पे भी लोग कुछ छुप के बैठे तो हैं, तो हो क्या रहा है यहाँ पे? क्या ये घोड़े से कुछ गिरेगा? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि कुछ चिंता भी बन गई है। शायद कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और अभी तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन कुछ कुछ तो यहाँ पे होने वाला होगा शायद। या तो रुक जाएगा वो चीज़, या तो कुछ बिट्रेयल होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना, बहुत धड़ल्ले से काम स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये पेज ऑफ पेंटिकल्स से काम स्टार्ट नहीं हुआ है। ये अचानक से नाइट ऑफ पेंटिकल्स से काम स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि एस है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ तो लिवरेज हुआ है आफ्टर वेटिंग फॉर समथिंग फॉर लॉन्ग टाइम। लेकिन यहाँ पे कुछ हिडन एनर्जी है जो कि प्रोजेक्ट को स्टॉल कर सकती है। आई एम गेटिंग टू से औंधे मुंह गिर सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि वो पिन टू द ग्राउंड हो जाता है। तो कुछ तो चीज़ें क्लियर नहीं है, कुछ लोग पीछे में हिडन है, हिडन एनर्जीज हैं जो कि प्रोजेक्ट को औंधे मुंह गिरा सकती हैं, जिसके कारण स्ट्रेस हो सकता है। अब यहाँ पे भी किसी ने आँख पे पट्टी कोई बांध रहा है। आँख पे पट्टी क्यों बांध रहा है ये? स्ट्रेस तो है, प्रे कर रहे हो सब ठीक हो जाए, बट तुमको रीजन तो पता है भाई। एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे रीजन है कि कुछ औंधे मुंह गिर, इसी यहाँ पे बहुत ही धड़ल्ले से कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो नया स्टार्ट है, ये पेज से स्टार्ट नहीं होता है, ये सीधे नाइट से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कोई तो रीजन होगा कि पेज से स्टार्ट होके नाइट पे स्टार्ट है, इसको इतना लिवरेज क्यों मिल रहा है? तो उस रीजन तो है, कुछ रीजन तो पता है, पर क्या उस रीजन पे आपने आंख पे पट्टी बांधी है? तो अगर कोई बहुत ऑब्वियस चीज आप इग्नोर करेंगे, क्योंकि यहां पे कुछ हिडन एनर्जीज है बिट्रेयल वाली, तो अगर ऑब्वियस चीज आप इग्नोर करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। स्ट्रेस हो रहा है यहाँ पे, कोई तो चिंताजनक चीज बन गई है। प्रोजेक्ट जो आया पर कुछ चिंताजनक सिचुएशन में पहुंच गया है, मोर लाइक आईसीयू में पहुंच गया है, जबकि यहाँ तो एनर्जी बहुत सही है। क्या कुछ इग्नोर हो गया है? क्या कुछ चीजें हैं जो आप इग्नोर कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप, पता नहीं चल रहा है। लेट्स सी एंड फाइंड आउट कह रहा है यहाँ पे। कुछ तो इसी तरह की एनर्जी बनी हुई है, धड़ल्ले से स्टार्ट हो रहा है, कुछ बैठ गए हो यहाँ पे, स्ट्रेस हो गया है, कुछ चीजें अवॉइड कर रहे हो, आंख बंद कर लिया है, मुंह मोड़ लिया है, जैसे कि देखना नहीं चाहते हो। क्या कर रहे हो यहाँ पे आप? अभी एल्विश एंड मनीषा की रीडिंग में क्या हो रहा है? एल्विश एंड मनीषा की रीडिंग में हो क्या रहा है? गाइडेंस कमिंग फॉर द एनर्जीज फॉर द 10 कमिंग कमिंग 10 डेज। साइलेंस, मेडिटेट करो, कंटेम्पलेट करो, लेट गो करो एंड एंटर द स्टिलनेस विद इन। साइलेंस कैन हील एंड रिप्लेनिश यू। एनीवेज, यहाँ पे जो एलिमेंट है, ये जो भी आपको जिस चीज पे भी स्ट्रेस हुआ है ना, उसका रीजन आपको पता है, क्योंकि ये रीजन आपके नीचे ही है। और ऐसा मुझे लग रहा है कि जानबूझ के आंख पे पट्टी बंधी हुई है यहाँ पे किसी के, तो वो चीजें हैं। अब बहुत क्लैरिटी तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली ये पता चल रहा है, बहुत डार्क नाइट ऑफ द सोर्ड, मानी कि लंबी रात के बाद कोई प्रोजेक्ट फास्ट स्टार्ट हुई, बैठ गए हो, लेकिन यहाँ पे कुछ रीजन। बहुत दिन के बाद स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, कुछ भी है, लेकिन एक बहुत दिन के बाद फास्ट 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 पेस चेंज है,
प्रोजेक्ट है पर कुछ स्ट्रेस बिल्टअप हो रहा है, वो चीज़ें हैं। रीज़न शायद इनको पता है क्यों स्ट्रेस बिल्टअप हो रहा है, और शायद आँख पे जानबूझ के पट्टी बंधी है, आई डोंट नो। बट इनकी रिलेशनशिप डायनामिक्स आने वाले समय में इसी तरह की कुछ बनी हुई है। दो ऑप्शंस, क्या आप सही डिसीजन ले रहे हो या आँख पे पट्टी बांध के डिसीजन लिया है आपने, जानबूझ के डिसीजंस लिया है? गाइडेंस कमिंग फॉर देम। जी हाँ, रेस्ट लीजिए। यू हैव बीन वर्किंग हार्ड, टेक अ नैप, गेट सम रेस्ट। ठीक है, ऑल राइट। कोई ऐसा कुछ हो सकता है ना कि जैसे कि यहाँ पे भी साइलेंस है, ठीक है, साइलेंस है, रेस्ट है। प्रोजेक्ट धड़ल्ले से स्टार्ट हुआ, आप घोड़े पे जाके बैठ गए हो, पर यहाँ पे कुछ स्ट्रेस बिल्टअप है, टेंशन ले रहे हो। तो बोला जा रहा है कि थोड़ा सा टेक इट ईजी करो, ओवर थिंकिंग मत करिए, साइलेंस को एम्ब्रेस करिए। बट हाँ, कुछ इस तरह की एनर्जी भी बनी है जहां पे कोई रीजन है स्ट्रेस का, जो भी रीजन बन रहा है इस प्रोजेक्ट में, आपको वो रीजन पता है, क्या आप उसको जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो, वो चीजें हैं। तो इस तरह की एनर्जी बनी है एलिवेशन मनीषा की आने वाले 10 दिनों में। गाइस, डू लेट मी नो इफ इट मेक सेंस, डजेंट मेक सेंस, एंड इफ यू लाइक द गाइडेंस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।